भारत और रशिया के बीच की बहुचर्चित S-400 डील पर भारत से नाराज होने वाला अमेरिका अब नरम पड़ता हुआ नजर आ रहा है। रूस और भारत के बीच हुई 5.43 अरब डॉलर की डील से भारत और अमेरिका के रिश्तों में आई कड़वाहट अब थोड़ी कम होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि अभी हाल ही में भारत दौरे पर आए अमेरिकी रक्षा मंत्री जिम मैटिस और विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने काटसा के तहत भारत को राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर प्रतिबंधों में छूट देने का पुरजोर समर्थन किया है। हालांकि इस मुद्दे पर आखिरी फैसला तो राष्ट्रपति ट्रंप को ही लेना है, लेकिन माना जा रहा है कि कुछ शर्तों के साथ भारत को इस डील पर छूट मिल सकती है। उन शर्तों में जो सबसे पहली शर्त है वो है अमेरिका के साथ भारत को कोई बड़ा रक्षा सौदा करना होगा। इसके अलावा भविष्य में भारत को कुछ ऐसे फैसले लेने होंगे जिससे भारत की रशियन हथियारों पर से निर्भरता कम होती हुई दिखाई दे। अमेरिका ने भारत को चेतावनी भी दी है कि अगर भारत और रूस के बीच आगे भी कोई बड़ी डिफेंस डील होती है तो संभव है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते खराब हों और फिर दोबारा भारत को छूट मिल पाना नामुमकिन सा हो जाएगा। रूस के साथ S-400 डील पर भारत ने अमेरिका को सफाई दी है। भारत ने अमेरिका को बताया है कि दुश्मन के क्रूज एयरक्राफ्ट और बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराने में सक्षम ये S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम भारत के लिए कितना जरूरी है। साथ ही भारत ने अमेरिका को ये आश्वासन भी दिया है कि अमेरिकी हथियारों की संवेदनशील जानकारियों को वो किसी तीसरे के साथ साझा नहीं करेगा। बता दें कि पिछले एक दशक में भारत ने अमेरिका के साथ अपने व्यापार को बहुत तेजी से बढ़ाया है और भारी मात्रा में अमेरिकी हथियारों को खरीदा भी है। दोनों देशों के बीच पिछले एक दशक में करीब 17 अरब डॉलर की डील हो चुकी है। अब अमेरिका चाहता है कि भारत अमेरिका से F/A-18 और F-16 फाइटर जेट खरीद ले, लेकिन क्योंकि ये फाइटर जेट भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान के पास पहले से ही है, इसलिए भारत इन फाइटर जेट्स को खरीदने में कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है।